दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर है। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि चीन ताइवान के लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच चीन ने अपनी तीनों सेनाओं को ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया है, जिसके बाद दुनिया में तीसरे महायुद्ध के छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब अगर चीन ताइवान के बीच जंग शुरू होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दरअसल चीन की तीनों सेनाएं मिलकर ताइवान के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। ताइवान को चीन अपने में मिलाना चाहता है, जिसके चलते चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। वहीं अब चीन की मिलिट्री ड्रिल देखकर लग रहा है कि मानो ताइवान पर चीन का हमला तय है। इस समय चीन के युद्धपोत मिसाइलें और फाइटर जेट्स समेत एक बड़ी सेना ताइवान के चारों तरफ मौजूद है। वहीं ताइवान भले ही एक छोटा देश है, कम ताकतवर है, लेकिन हमेशा चीन के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ है। चीन की इस हरकत को देखकर अब ताइवान भी अलर्ट हो चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के मिलिट्री ड्रिल पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि हम अपने देश की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान ने भी अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। बताया जा रहा है कि चीन ने यह कदम ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते के कार्यभार संभालने के बाद लिया है, क्योंकि लाई चिंग ते चीन विरोधी नेता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने अपने भाषण में चीन को जमकर चेतावनी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि चीन अब ताइवान को धमकाना बंद कर दे, साथ ही ताइवान में शांति बनाए रखने और लोकतंत्र की रक्षा करने की कसम खाई थी, जिसके बाद चीन बौखला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा है कि उनकी सेना शुक्रवार को ज्वाइंट स्वॉट 2024A अभ्यास जारी रखेगा। इसका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना, संयुक्त हमले शुरू करना और प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करना है, साथ ही ताइवान की क्षमता का आकलन करना है। चीन ने गुरुवार सुबह करीब 7:45 पर सैन्य अभ्यास शुरू किया था। इसके साथ ही चीन की ओर से ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। उधर सैन्य युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान के समर्थक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि चीन हमेशा से ताइवान को चीन का अंग मानता आ रहा है। चीन ताइवान को कभी भी अलग राष्ट्र की मान्यता नहीं देना चाहता है। दूसरी तरफ ताइवान के लोग चाहते हैं कि चीन उस पर अपना अधिकार जताना बंद कर दे। अब चीन के इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।